क्या लगा रहा? हेलमेट का शो ऑफ कर रहा हूं, ऑफ नहीं कर रहा, हिंट दे रहा हूं और हेलमेट। Can you see this? This is the जादू का पिटारा। Guys, look at this. This बिंदु, this is magical बिंदु। अभी देखना इसका चमत्कार, देखना मैं दिखाता हूँ, देखना अब देखना चमत्कार। ये है वो चमत्कार। देखो क्या है कि पहले तक तो भाई साहब आवाज आ रही थी, ठीक है, अब अगर आवाज नहीं आई तो इस रोड वाले कंपनी पे ना अपन केस तोड़ देगा। Anyway, केस की बात छोड़ो यार, पॉजिटिव बात करते हैं। नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका रेमलोड बाबा। इतनी बड़ी घड़ी स्माइल है ना अपने चेहरे पे भाई साहब, क्या बताएं। हो गॉड, इस मोटर ब्लॉक की समस्या को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ नहीं बेले, समझ रहे हो। इतनी बत्तियां हो गई हैं बतियाने के को, हंस हंस के आपकी बत्ती सी की बत्ती गुल हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सबको, अभी मजा आएगा ना। देखो क्या है यार कि मैं गया था चंडीगढ़, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा सेटअप कि किस तरीके से मैंने कहां पर माइक लगाया है। मुंह के काफी ज्यादा नजदीक है, उम्मीद करता हूं कि आवाज बड़ी बड़ी आएगी। कवर कुवर लगाए मैंने जरा लाइट्स के, मैंने सोचा कि मैं क्या कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को शहर में निकले हैं क्योंकि पहली दफा मोटो ब्लॉग लेके लौंडो। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस कराने। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ काजा स्पीति। यस, इस बार काजा स्पीति जाएंगे, मगर जाएंगे हाँ अपन जाएंगे ऐसे उड़ते हुए जाएंगे, हम जाएंगे लोसर वाले रास्ते से। और अभी जा रहा हूँ मैं बाइक का काम कराने, बिजली को एकदम नया। एनीवे चल के बताते हैं। ये अपने शहर की डांग क्वाड़ी है जी, ये इतनी ऊंची क्वाड़ी है, थोड़ी सड़क बन गई है तो इस करके थोड़ी उतनी रही नहीं है, नहीं तो पहले के समय में जो होती थी ना, ये देख रहे पसीने और हवाएं, काश छोटा फड़िया गया कर देने, देखना कहना मुंडा की करन दे डांक वाली ते हैं। अभी मजा आएगा बाबे, अभी मजा आएगा ना वीडू, ये वो वाली बात हो गई है। काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, रीजन बिंग काफी समय से क्या था ना यार, वो गरीबी चिंदी मंदी की जिंदगी बड़ी हो गई थी यार, कि 200 400 250 और वो 1200 तक का एक माइक मैंने ले लिया, फिर साला उसमें सेल डलते हैं, उसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहो करते रहो। अभी भी मुझे पता नहीं मेरी आवाज की क्लैरिटी कैसी होगी, कितनी मतलब हवा बाहर से वेव आ रही है कि नहीं। एनीवे मैं बता दूं तो मैंने रोड का माइक लिया है जिसकी कीमत है 5,800 रुपए, ये देख लो। यस, अब किसी को लेना होगा ये माइक, चंडीगढ़ जाके मोबाइल मार्केट में ले सकता है, नहीं तो ऑनलाइन भी ले सकता है, बट ये माइक की क्वालिटी गजब, बहुत ही सुपर है। बहरहाल अभी मैं ये बाइक पे यूज कर रहा हूँ, अभी मैं देखूंगा, आज बेसिकली इसका फर्स्ट डे इस माइक की टेस्टिंग का, तो मैं अभी देखूंगा कि कैसा रिस्पॉन्स है इसका। अरे बाबे तू मेन मार्केट से निकल रहा है वो? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मत निकल यार, कट जाएगा। एक तो ट्यूजडे है ना आज, ऐलान कट जाएगा यार भाई। मिस्टर पाल खड़े होंगे इधर, मिस्टर पाल जी हुए तो पाल जी तो मेरा पल्ला बन देंगे। पाल जी इज द टेरर ऑफ हमीरपुर ट्रैफिक पुलिस यार, कहीं भी किसी को भी काट देते हैं पता है, ऐसा फर्नी क्लच प्लेट तो जान देनी सीधी सीधी स्मूथ स्मूथ। अरे यार मैं एक बार आया भाई साहब चंडीगढ़ से, गप सुनो मेरी है ना, मैं आ रहा अपनी सहेली के साथ चंडीगढ़ से, वो भाई साहब वहाँ ट्रैफिक पुलिस आया कि वहाँ उनका ऑफिस, बाबे उसने देखी है खाली बाइक, उनने कर दिया वायरल वायरलेस, और यहाँ पहुंचा मैं तो यहाँ चाचा खड़ा हुआ बोलता पीछे बुलाया है, मैं क्या क्यों बुलाया है, बोलते बुलाया है, मैं क्या तुम ठीक है जाया तो मैं और क्या कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं है, तो मैं गया वापस। बोलते मैं ले अंकली सुनो, मैं क्या औखा सौखा शहर आया हूँ 4 महीने बाद घर, मैं क्या आड़े भी मैं ले अंकली पैसे नहीं है समझा करा जान दे। बट ये है कि यहाँ पुलिस की एक खासियत है अगर मैं बताऊं कि वो काटेंगे तो कटेगा कटेगा चलान, अदरवाइज दे विल लीव यू लाइक दिस, बट वो कभी आपसे वो ब्राइब नहीं लेंगे, समझ रहे हो कि 50 100। अरे पंजाब पुलिस तो बाबू आप माजा ले गई थी वे हमरा एक बार, हाँ भैया 20 रुपए का माल, ओ कुछ नहीं हैगा ता ही दे दे आए करके भाई ने दबा पा लिया। बड़ी बड़ा देख रहे हो बातें कितनी कर रहा हूँ मैं, सबसे एक एक ही सिंगल क्लिप चल रही है तब से। अभी मैं जाके मैकेनिक के पास पहुँचता हूँ अपने राहुल भाई के पास और बताता हूँ, फिर उनका तारुफ करवाता हूँ, उसके जैसा बंदा नहीं यार, ऑनेस्ट मैकेनिक। एनीवे मिलवाता हूँ द मच फेमस हथली पुल ऑफ हमीरपुर। अब क्या है ना मेरे को बेसिकली ये देखना है कि वाइजर लगाने के बाद कैसी आवाज आती है, और अगर मैं वाइजर ना लगाऊं तो हवा का क्या इंपैक्ट है बेसिकली माइक का, माइक की प्लेसमेंट जहां पर करी हुई है ना वहां क्या हवा आ रही है क्या नहीं। राहुल भाई कर दो जगह, जय शंकर क्या चाल। एक्चुअली राहुल भाई अपने मोटे खास बंदे, ये इनकी शॉप है राजू सिटी ऑटो, कभी भी आना हमीरपुर का लौंडो सुन लो इधर ही आना। क्यों? रीजन में कि यार ये बंदा इतना ऑनेस्ट है ना, अगर कोई चीज़ 10 दिन और चलनी है ना तो बोलेगा भाई जी 10 दिन चलाओ, महीना चलनी है चलाओ। ये ना वो वाला वैसा वाले मैकेनिक नहीं चूना मारना किसी को, लपेटना ही है और काटना ही है, समझ रहे हो, तो वो कहानी है। आओ तो राजू सिटी ऑटो पे आ जाओ या कराओ काम गाड़ी का मस्त, मेरे तो बुलेट होगी स्कूटी होगी यही करते हैं सारा। ठीक है फिर, ठीक है जय शंकर।
और मोटिवल के तेल के बाद जो बिजली फिर छलकारे मारती है, आए हाय तक आए तेरा नहीं छोला सुनिए। और बोला टायर खत्म हो गए, टायर बदलने हैं क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ काजा वाला ट्रिप लगा के आता हूँ, लद्दाख के लिए टायर चेंज करवा लेंगे, साल में खत्म हो गए टायर यार, वॉशिंग कराएंगे बढ़िया वाली। बाबा ये गाड़ी दिल ले जाती है यार, पता नहीं क्या ही है इस गाड़ी में ना, मतलब पता नहीं इसकी अपीयरेंस, इसका ये हंकनेस, मतलब ऐसा लगता कि है कुछ। हेलो तू इसी जू है साडे को बोल्ट है पीछे चल बड़काई सौरी है। निवाला मुंह में जा रहा है क्योंकि सबसे पहले देखो जब भी मैंने बिजली का काम कराना था मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बिजली ठीक हो जाए, उसके बाद अपना भोजन करेंगे। और ये जो रॉ देसी मील है ना हमने यहाँ बांध छोड़ ले सच्ची। मार्केट वगैरह के सारे काम निपटा लूं उसके बाद मिलता हूं आराम से रूम पे जाके रिलैक्स होके, फिर मिलता हूं, फिर अगली कहानी पे बात करेंगे। रूम पे पहुंचा तो अभी देखा मैंने जब गोप्रो उतारा मैंने देखा कि माइक की वायर नहीं लगाई थी, और दूसरी बात मैं अभी क्लिप्स को सुन रहा था तो मैं देख रहा हूं कि माइक जहां पर मैंने प्लेस किया, बेसिकली कहां पर प्लेस किया मैं बताता हूं, ये पॉइंट पे प्लेस करा हुआ दिख रहा है ओपन में, ये पैडिंग के नीचे, ये जो पैडिंग है ना इस पैडिंग के नीचे नहीं मैंने इसको फिक्स किया है, ओपन रखा है, तो जिसकी वजह से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बाइक की आउटर नॉइस को भी वो कैच कर रहा है, तो अब इसकी प्लेसमेंट हम दूसरी जगह करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, आज के दिन कर लेता हूँ सारे इस ब्लॉग में सारे ट्रायल, अगले वाले में काम फिर परफेक्शन के साथ होगा, इसलिए अब मैं थोड़ी रेस्ट करता हूँ, कपड़े धो तो बड़ी ज़्यादा गर्मी यार। 2 hours later शाम के बज रहे 2:15 के उठा, देखा तो देर हो गई है, रात होने को है, मैं क्या फटाफट घर वापस जाना है, सामान भी तो पैक करना है भाई, और चप्पल छोड़ दिया अपने, गौतम भाई ये चप्पलें रह गई थी, चप्पल लाने गया था, जय शंकर महाराज की। हाँ और एक और चीज मैंने नोटिस करी है, अच्छी खासी आवाज आ रही है, क्लियर मतलब जाली वाला साइलेंसर मिल जाए वो लगाऊंगा मैं, अभी बात की है वो है नहीं उनके पास अवेलेबल, नहीं तो मैं तो चेंज करा लेता, सोच रहा हूँ कि बाईपास वाले रोड से नहीं जाऊंगा क्योंकि क्या है ना आवाज़ की वजह से मेरे को बाईपास वाले रोड से जाना पड़ता है, मेन मार्केट से नहीं लेके जाता मैं कभी, बट आज दिन में एक दो बार मैंने राउंड लगवाए हैं बाइक के, तो वही स्मार्टली तरीके से अभी भी लेके चला जाऊंगा है ना। और दुख इस बात का यार मैं कल काजा की राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, बट दुख एक बात का है बस मम्मी ही पापा नहीं आए यार, माँ का आशीर्वाद ज़रूरी होता ना, हर बार मेरी माँ मेरे को ऊपर गैलरी से देखती है, बाय करती है, भाई मन ना तो वो सब नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं मम्मी वीडियो कॉल पे आशीर्वाद लेंगे मम्मी का, क्या बोलते हो। आज का ब्लॉग घर जाके एंड अप करते हैं और इसी को फिर एडिट करके कल के लिए तैयार करते हैं और कल वाली जर्नी को परसों के लिए तैयार करते हैं, यस माजरा और सिलसिला वैसे ही चलता जाएगा, बशर्ते कि बस अपने पास नेटवर्क जो है ना वो अच्छा रहे, नेटवर्क जोन में रहे और वाईफाई मिलता रहे। राहुल भाई ने बोला था ये साइकिल की दुकान है यहाँ पर, बोला पूछ लेना अगर पंचर किट यहाँ पर मिल जाए तो थोड़ा सा ये, हाँ ये वाली शॉप पे बुलाऊंगा भाई जी, वेरी नाइस पंचर किट तो हो गया, मैंने सोचा कि हवा का पंप भी अगर मिल जाए ना, ये ले लिया जी बढ़िया वाला 250 रुपये का, मैं कैसे सेट है लगा के भी देख लिया, चेक करके देख लिया, क्योंकि मामटी लोग को ना ऐसा नमस्ते करने का समझे, फिर एक बार नमस्ते करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चौथी बार को सेटलमेंट बैठ जाता है, वो भड़का ही ठीक ठाक। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रैमलर बाबा को, देखिए जिस तरह से हम वाइजर खोल रहे हैं तो गुड रूम खुद सारे हमारे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं यार, और शीशा बंद कर रहे हैं तो जब सामने से गाड़ी आती है तो उसकी लाइट की जो रिफ्लेक्शन पड़ती है वो दिक्कत करती है, मेरा लाइट से याद आया मेरे को लगता है कि पर्दे हटाने पड़ने मुझे मेरी बड़ी लाइटों, क्योंकि जब ये बड़ी गाड़ियों वाले ना लो बीम पे नहीं करते ना, इनके लिए मैंने स्पेशल लगवा रखे, इसको देखो दे दे टोचन। तो हुआ क्या जी के पिछले कल ना मैं अपने दोस्त के पास गया था जिसके साथ मैंने कश्मीर के रिगार्डिंग मैंने बातचीत करनी थी, तो अभी मैं आगे ना थोड़ा से क्लिप्स लगाऊंगा, आप खुद देख के समझ जाओगे कि हुआ क्या है। बेसिकली हमने रूम पे शूट किया और तब गोप्रो में देखने को लग रहा था कि बहुत सही क्लैरिटी आ रही है, बढ़िया लाइट आ रही है, मगर जब मैंने लैपटॉप पे डाला उसको लगा एडिट करने तो मैंने देखा यार ये तो बड़ी गंदी क्लिप्स आ रही हैं, देन आई वाज लाइक यार क्वालिटी ऑफ कंटेंट है बट
आवाज और विजुअल्स बहुत मैटर करते हैं, इसलिए मैंने फिर उसको एडिट नहीं किया। ओके, जरा उतर के ये कपड़े हटा ही लूं मैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा। ये लाइट जो है ना बहुत कम महसूस होती है। अब देखो जादू, देखोगे जादू, ये जादू चल रही है गाड़ी अपनी। एक स्मार्ट वर्क है अपने में भाई। और हाँ, कोई इसको फॉल्ट ना समझे, एक्सक्यूज मी, ये इसमें अपग्रेडेड सिस्टम है, समझ रहे हो, ये करवाया गया ये खुद से, ये ऐदा करके चल जाती सादी गड्डी। अब क्या है ना, नाइट में ब्लॉगिंग करने का भी तो हमें थोड़ा सा अंदाजा लेना ना कि कैसा दिखता है, विजन कैसा आएगा, है ना। बातें तो चलती रहेंगी भाई साहब, आवाज जो आती है ना बिजली की, देखो हूं आई सफेदी के नहीं आई। मित्रों एक बार कमेंट से दसो कितना लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं। तो सभी दोस्तों दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि एक बार कृपया करके कमेंट में अपने स्वर्ण शब्दों में जरूर जरूर लिखे, अब ये इसकी माँ का जरूर लिखे कि कैसा लग रहा है आप। आज हमारी आवाज किस तरह से मोटो ब्लॉग चलती भाई के साथ, हमारी गप्पों को सुनने में क्या आनंद आ रहा है या नहीं। और जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हमने सफेद लाइटें ऑन कर ली है क्योंकि विजन बहुत कम और कमजोर हो रहा था, देखने में काफी दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जी हाँ, देखिए जिस तरह से ये बच्चे यहाँ चल रहे हैं, छोटी लाइट होती हमें नहीं दिखते, ठुक जाते कुछ भी हो जाता, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली एट होम, लाइट्स ऑफ कर दूं, भाई खी रखता हूँ, संगल खोलना पड़ेगा पहले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 hour later. ओके जी, तो खाना वगैरह खा के फ्री हो गया मैं टोटल। अब क्या है, मैंने जैकेट वगैरह निकाल दिए काजा के लिए, क्या ठंड है, मैंने पूछा रात को, तो थोड़ा सा ये सामान, ये बैग लैपटॉप का, इसमें लैपटॉप जाएगा, दूसरा बैग वहाँ पर पड़ा है जिसमें जाएंगे बाकी कपड़े, सैडल बैग्स वो साइड वाले नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि उतना सामान ही नहीं है, और अकेला ही जा रहा हूँ ना, तो एज यूजुअल जैसे दो बैग्स लेके जाता था वैसे लेके जाऊँगा। तो ठीक है जी, आज के ब्लॉग को एंड अप करते हैं, बढ़िया लगी हो, मस्त लगी हूँ आज की गप्पे। टाइम हो रहा है 11 बज गए, अभी सो जाऊंगा, अब सुबह उठूंगा जल्दी और एडिट करूंगा, और कल ही फिर ट्रैवल करना है, पैकिंग करके अभी रखूंगा ताकि सुबह के लिए एक काम निपट जाए। ठीक है जी, तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, मालिक की रजा रहे, जिंदगी में मजा रहे, मिलते हैं कल अगले नए एपिसोड में, ताजा के सेकंड एपिसोड में, बाय।